गुरु की प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, देखिए एक लड़के ने बाबा जी से ऑटोग्राफ मांगा। इस पर बाबा जी ने उसे क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। तो हम आज बाबा जी के क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आए हैं जी, जो कि राजस्थान जयपुर में हुए जी। तो चलिए हम चलते अपने वीडियो की ओर। सत्संग जी, हम ले रहे हैं पहला सवाल। एक लड़के ने बाबा जी से कहा, मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए। इस पर बाबा जी ने कहा, मेरे ऑटोग्राफ का आप क्या करोगे? उस लड़के ने कहा कि मेरी बहुत ही दिले इच्छा है। तो बाबा जी ने कहा, यह तो मन की खुशी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सत्संग जी, अगला सवाल। एक लड़की ने कहा, बाबा जी मैं जब भजन सिमरन करने बैठती हूँ तब मुझे अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तब बाबा जी ने कहा, वहाँ सब मन के विकार हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस आप अपने सिमरन पर विश्वास करें और ध्यान लगाएं, वह सब आवाज़ें अपने आप आना बंद हो जाएगी। अगला सवाल। एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी कल मैं शादी के बाद अफ्रीका चली जाऊंगी, वहाँ जाकर मैं सत्संग सेवा से दूर हो जाऊंगी। तब बाबा जी ने कहा, आज कल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं उस पर सब कुछ आ जाता है, और वहाँ पर भी देखो ना सत्संग घर है, वहाँ जाया करो। तब उस लड़की ने कहा, वहाँ माहौल नहीं बनता। तो बाबा जी ने कहा, माहौल हमें बनाना है बेटा, किसी और को नहीं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम माहौल को किस तरह से बनाएं। सत्संग जी, अगला सवाल। एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी क्या शादी करना ज़रूरी है, क्योंकि शादी करने के बाद इंसान इस माया जाल में फंस जाता है। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, शादी एक ऐसा फैसला है, जो करता है वो भी पछताता है और जो नहीं करता वो भी पछताता है, तो क्यों ना शादी कर ली जाए। सत्संग जी, अगला सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मेरी और मेरे पिताजी के बीच बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि वहाँ ड्रिंक करते हैं, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, वो आपके पिता हैं और हमें चाहिए कि हमारे माता पिता का सदैव हम सम्मान करें, सत्कार करें और उनकी सेवा करें, ना कि उनसे रूठें, क्योंकि वो हमारे माता पिता है। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें और खूब सारा भजन सिमरन करें जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी को अंत में प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद।